नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे पूर्णिया में, भागलपुर में, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। औद्योगिकरण को बढ़ावा भी दिया जाएगा और स्वास्थ्य का अधिकार जो है पूरे देश में उसको हम लोग लागू करेंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। राजद के 24 में 24 जनवचन, जी हां, राजद के 2024 में 24 जनवचन के संदर्भ में तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में ही प्रेस वार्ता आयोजित की। जी हां, आज सुबह 9 बजे राजद के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। सबसे पहले प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं आप वीडियो में सुन सकते हैं। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गन्ना कराया, जाति आधारित गन्ना तो कराया तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले ही चाचा निर्भर चले गए हो लेकिन इस बातों को भूल जाते हैं। सचिवालय में सभी उनके मंत्रियों के साथ हम भी डिप्टी सीएम थे, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारत सरकार को कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया है बिहार में, दूसरा की पिछड़े का बढ़ा, स्वर्ग जाति भाइयों के जो गरीब भाई हैं उनका 10% जो था वो रह गया, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का, यानी 75% जो आरक्षण बढ़ा उसको हम लोग शेड्यूल 9 में डालें। अब इस पर मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करते। इतने महीने औद्योगिकरण को बढ़ावा भी दिया जाएगा और स्वास्थ्य का अधिकार जो है पूरे देश में उसको हम लोग लागू करेंगे ताकि फ्री में स्वास्थ्य सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध हो। तो ये ऐसे तो 24 वचन हैं, जन वचन, इसमें आप लोगों को हम बंटवा देंगे, मिलेंगे, लेकिन जो प्रमुख बातें थी इनमें से हम समझे कि आप लोगों के समक्ष इस बातों को रखें। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और हाल ही के नेता प्रतिपक्ष हुए राजद के तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि सबसे पहले बिहार में 5 नए एयरपोर्ट बनाने का हम काम करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा को हम बढ़ाने का भी काम करेंगे। जी हां, आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रेस वार्ता संबोधित किया गया था राजद कार्यालय में, 5 नए एयरपोर्ट बिहार में बनाने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। दूसरी बात, उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर कही है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी प्रिंस के साथ, धन्यवाद।